को लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर इस वक्त केसी त्यागी जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। सवाल लेंगे जी त्यागी वन बाई वन। हाँ, त्यागी जी, ललन सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे अध्यक्ष बनाने का, क्या आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड है, नामी यूनाइटेड नहीं है, आज हम वैसे भी यूनाइटेड है, और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। जो काम उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगाए, आप क्यों लगा रहे हैं? और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कई दिन से, इसमें कौन बड़ी बात है? पूरा हो गया वो? नहीं, उनको निराशा हुई। त्यागी जी, क्या फिर से जेडीयू एनडीए के साथ जा रही है, इस तरह की क्या लग रहा है? इससे कैसे क्या लगा सकते हैं? क्योंकि हटाया गया, आपकी इच्छा हो सकती है ये। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। त्यागी जी, जो यात्रा है नीतीश जी की झारखंड से आपकी शुरू होगी, इस पर थोड़ा सा जानकारी देंगे, कब से शुरू होगी और क्या ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ? देखिए, एक दौर ऐसा था, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, मैं उस संसद में था जिसमें आरक्षण का वीपी सिंह जी ने प्रस्ताव किया, आडवाणी जी का भाषण भी उपलब्ध है और श्री राजीव गांधी जी का स्वर्गीय उनका भी भाषण उपलब्ध है, किस तरह से उन्होंने जाति आधारित मंडल को रिजेक्ट किया था, एक कमंडल लेके निकल गए थे और दूसरों ने सरकार गिरा दी थी मिलकर के। ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी। मुझे प्रसन्नता है कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट है उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी नहीं होड़ लगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है, ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था, ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के, जो उनकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथावले, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी, एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है, तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। नाराज है और आज बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, तो आपका क्या?
इतनी मेरी जानकारी। इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कोई वक्तव्य रखा? हाँ, वक्तव्य दिया है उन्होंने। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो प्रचार और प्रसार पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा था, मैं मुझको भी उसमें घसीटा गया, उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। कौन सा नाम बताइए दो लोगों का? सुनील कुमार पिंटू जी नाराज है, वो बैठक में नहीं आया, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेरी जानकारी इतनी बड़ी चीज की मुझे जानकारी नहीं है।